नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन एसएसबी इंटरव्यू में लर्निंग बाय इम्प्रूवमेंट एंड आई होप यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे तो जैसे कि आपको पता है एज ऑलरेडी पोस्टेड इन द ग्रुप एट द रेट एसएसबी फॉर लाइफ एंड एज वेल एज एट द रेट एस डिस्कशन जो कि आज का टास्क है हमारे लिए डब्ल्यू ए और एस डब्ल्यू के लिए आपको ये अटैम्प्ट करने हैं जिन लोगों ने अभी तक attempt नहीं कराया वो जाके पहले ये अटैम्प करेंगे एंड देर आफ्टर वी विल डिस्कस फॉर एस आर टी दीज आर आवर एस आर टीज एंड देर आफ्टर वी विल ऑल्सो डिस्कस एटी जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं कराया अभी जाके सबसे पहले पॉज करेंगे एंड दे विल इट एंड देर आफ्टर दे कैन कम बैक आफ्टर फाइव टू टैन मिनट्स तो फिर आज की डिस्कशन शुरू करते हैं शुरू करते हैं जोरा से ही वॉज ड्राइविंग द बाइक विदाउट हेलमेट एंड ट्रैफिक पुलिस कॉट हिम ना हो अब क्या किया उसने फर्स्टलीट को आपकी आइडियोलॉजी हमेशा बोल रहा है रूल रेगुलेशन एथिकलिटीज का रूल्स आर ऑल टू बी फॉलोड एंड इफ यू आर वॉलिटिंग इट डेफिनेटली यू आर सपोज टू गिव दी फाइन पहली बात तो यहां पर apologized. पेड फाइन नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन द सिंपल आंसर एज डैट है ना ये सिंपल होना चाहिए एंड यू कैन ऑल्सो अवेयर अदर पीपल नॉट टू वॉलेट द ट्रैफिक रूल्स एंड ऑलवेज टू वेयर द हेलमेट यहाँ पर शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हो क्या आप कि लेट मी गो दिस टाइम एंड टू रूल्स नो यू आर सपोज टू पे द फाइन इफ यू हैव डन द मिस्टेक दैन यू विल पे फॉर इट है ना चाहे वो किस तरह किसी भी फॉर्म में हो अगर पनिशमेंट मिलेगी तो आपको मिलेगी आपको स्पेशल नहीं हो ठीक है नेक्स्ट में आता है द सेम केस फॉर पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लोग जितना बड़ा लोग होंगे जितने बड़े पर्सन होंगे उनको तो आराम से छोड़ दिया जाएगा फिर तो रूल्स कोई नियम कानून तो किस लिए बने ही नहीं है फिर है ना दिस 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 वे अथॉरिटी विल बी अप्रोच लाइक सेकंड नंबर हिज ब्रदर वाज प्लेइंग आउटडोर एंड सीरियसली गॉट इंजर्ड नो बडी वॉज देयर एट द होम ही क्या क्या उसने है ना विद हेल्प ऑफ नेबर्स इन देयर कार टू केम टू द हॉस्पिटल डेबिट कार्ड यूज किया और इनफॉर्म फैमिली ऑन इट्स वे ऑन वे फर्स्टली यहाँ पर आपको लाइन ऑफ एक्शन देखो हमेशा बोला जब भी इंजरी होती है एक्सीडेंट होता है द वे ऑफ यू शुड प्रोसीड द फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर एवरी टाइम यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड है ना गिव द फर्स्ट एड द ब्लीडिंग एरिया एंड आफ्टर द कीज ऑफ कार एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन्फॉर्म्ड फैमिली मेम्बर्स वेटेड फॉर दैम इवन ठीक है तो ये बाकी सब सही है राइट नेक्स्ट uh, में आता है ही इज फॉर टूम एग्जाम बाथरूम का टैप लीक कर रहा था और कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इरीटेटिंग नॉइज हुई थी सो वट यू कैन डू द स्पैनर फॉर फ्रॉम किट विद हेल्प ऑफ थ्रेड थ्रेड और क्लोथ बोल सकते हो वट एवर टाइट एंड एंड स्टॉप लीकेज गॉट बैक टू स्टडी गुड सही है कंट्री एज अ सर्विंग सोल्जर ही एंड हिज मैन कलेक्टेड क्या क्या उन्होंने यहाँ पर आंसर है ना ही एंड हिज मैन कलेक्टेड इन फो ऑफ दोर्स इवेंट ठीक है ये सही आंसर है बट एट द सेम टाइम इनफॉर्म योर सीनियर्स इवन कलेक्टेड इन फो इनफॉर्म सीनियर्स एंड बाय गेट हेज टीम प्रिपेयर फॉर एनी इवेंट एनी है कर्फ्यू हैज बिन इम्पोज और ओल्ड मैन है ओल्ड मैन केम आउट ऑफ दाउस ही इज एन आर्मी पर्सन है ना तो क्या किया फर्स्टली इफ यू आर ए आर्मी पर्सन योर ड्यूटी इज टू सेफ गार्ड योर टेरिटरी है ना वहाँ पर आपको लगाया गया क्योंकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो आपको क्या पता वो जो आ, ये ओल्ड मैन है ही इज नॉट अ नॉर्मल सिटीजन मे पॉसिबल ही मे बी डिस्काइज टेरिस्ट में भी डिस्काइज सो फर्स्टली यू हैव टू एंक्वायर है ना आपने ये लिखा है दैट इज अ गुड थिंग रिक्रूटेड ऑन द आपने लिखा रिक्रूटेड ऑन द स्पॉट ही उसने क्या किया ही रैन टू हिम आस्ट हेल्प आपने पहले ही उसकी हेल्प करने लग गए फर्स्टली इंक्वायर टोल्ड हिम टू गिव द आई डी कार्ड और टेल हिम इज टेल हिम टेल मतलब आज के मिज आइडेंटिटी एंड देर आफ्टर एक्ट अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पर हेल्प की नीड उसने उन्होंने हेल्प कहाँ मांगी होगी आपसे हु? ना तो उन्होंने मेडिसिन की रिक्वायरमेंट मांगी तो आप कैसे जज करोगे किस को मेडिसिन चाहिए या फिर कोई हेल्प चाहिए तो सिंपली आज के हिम आइडेंटिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इफ हीटली यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं है क्लैरिटी नहीं है ऐसे वाले एस आर टी में तो आप इतना ही लिखोगे ठीक है आप ये जबरदस्ती की हेल्प मत दो किसी कोरिया अभी हमने एक एस आर टी पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया अब जो कैंडिडेट अपनी एस आर टी देखेंगे जो भी फीडबैक होगा यू हैव टू को रिलेट योर एस आर टी विद द प्रीवियस वन डिस्कशन जो भी हमने डिस्कस किया है ठीक है मोर और लेस अगर माइनर चेंजेस होंगे तो फिर मैं उसको रिव्यू करूँगा पूरे के पूरे एसआर टी नहीं पढ़ूँगा वन टू थ्री फोर फाइव बिकॉज इट एक्चुअली यू नो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है पूरा लेक्चर भी काफ़ी हम ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे जो काम की चीज़ें हैं जो कि आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे लाइफ में और एस एस बी में हम वही डिस्कस करेंगे रिपीटेशन यू नो डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवर्क नहीं करना है और कुछ कुछ लोगों को लगता है फिर फिर वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है फिर इट विल बी अ काइंड ऑफ बोरिंग थिंग है ना सो so, ट्राई टू कॉपरेट विद डेट ऑल्सो अगर मैंने वो रिव्यू नहीं करा तो डेफिनेटली आप उसको मान लो कि यस डेट इज करेक्ट आई हैव रेड ऑल दस आर ऑफ़ गोविंद एंड ही हैज रिटर्न वेरी परफेक्टली सो नो नीड टू रिव्यू आई रियली डोट थिंक देर इज आर नीड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हेलमेट वाले में आप यू कैन ऑल्सो अवेयर अदर पीपल डेट दे शुड वेयर हेलमेट अदरवाइज परफेक्ट Uh, यहाँ पर नेक्स्ट जाता है रिप्लाई डिप्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही है बट फोर्थ में आपने लिखा है यहाँ पर र्यूमर्स के बारे में स्टॉप द र्यूमर्स ठीक है अभी आपने र्यूमर्स सुने ना उसको कंफर्म तो करो मे पॉसिबल डैट र्यूमर इज़ आल्सो मे बी ट्रुथ इवन इफ टेन परसेंट इफ इट इज ट्रुथ है ना देन कैन डैट कैन बी वेरी यू नो डेंजरस फॉर द यूनिट एज वेल एज फॉर द कंट्री एज अ सोल्जर यू हैव टू कन्फर्म र्यूमर्स इज इट ट्रू और नॉट एंड आफ्टर यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म दीज थिंग्स टू योर सीनियर्स है ना इसमें uh, इस क्या करोगे कर्फ्यू वाले में कर्फ्यू वाले में हमेशा आज के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हैकॉर्डिंगली एंड हेल्प हिम अकॉर्डिंगली यहाँ पर आते हैं रोशन के रिव्यू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रोशन यू नीड टू डू अ लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क यू हैव स्किप्ड द फर्स्ट एस आर टी एज वेल एज फिफ्थ एस आर टी और आपने सेकेंड वाला तो तब भी सही है थर्ड वाले में आपने ईयरफोन यूज़ कर रहा हो यू आर नॉट सपोज यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है एस आर टी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ परसन इज़ अ रिसोर्सफुल पर्सन यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर द सिचुएशन यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन है ना यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर आप ईयरफोन लगा के अपना जो है नॉइज बैकग्राउंड को नॉइज़ जो आ रही है उसको उससे अवॉइड करके आप अपने पढ़ाई पे लगे हो यहाँ पर तो आपको बेसिकली यहाँ पर आ, काम करना है यू हैव टू टू आर सपोज सॉल्व द प्रॉब्लम राइट नाउ है ना यू कैन रेफर बैक आवर डिस्कशन और लोगों की असार्टी देखो कैसे लिखा यहाँ पर आया फोर्थ नंबर पर रूमर्स फैले हैं ठीक है ये कन्फर्म नहीं हुआ है आपने पहले ही मान लिया कि नेगलेक्ट नेगलेक्टिंग नेगलेक्टिंग एटीट्यूड है आपके अंदर है ना नेवर बी अ पर्सन हु इज सपोज टू नेगलेक्ट द थिंग्स रिमर्स रूमर्स ये यही तो है ट्रिगरिंग पॉइंट आपका यहां पर सच बात he बात है बात है झूठ ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा शुरुआत से सुनते रहो all are correlated, है ना तो में आपने छोड़ दिया कैसे करेंगे क्या करेंगे हु? और रोशन डेली आते रहो आई थिंक यून अलॉट इन दिस वे नेक्स्ट ऐसा आते हैं किसके एस एस को वट एवर द नेम इज़ यहाँ पर सबसे पहले पेड की स्पेलिंग पी ए आई डी पेड़ लिखो नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड नंबर पे आई एम ओनली स्पॉटिंग ठीक है रेस्ट इज गुड नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आपने फर्स्ट एड दो सबसे पहले तो फर्स्ट एड दो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं नंबर थ्री पे रैक पे को उठाया और बाकी रिड्यूजन हो सही है नंबर फोर्थ पे आपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया गुड फिफ्थ नंबर पे आपने आपने जैसा एस आर टी जो है यू हैव परसीव्ड इट रॉन्ग है ना यू कैन रेफर बैक आवर डिस्कशन कैसे कैसे हमने इसको प्रोसीड किया है आप पता नहीं पुलिस ऑफिसर कहाँ से आ गया इसमें आई डोंट नो सीज हिम स्टार्ट एज टॉक टू हिम फ्रेंडशिप बना रहे हो विद द ऑफिसर ठीक है यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्सनल हो यू आर सपोज टू इंक्वायर हिम कर्फ्यू लगा है एक जो बूढ़ा आदमी है वहाँ से घर से निकला और एक आप आर्मी पर्सनल हो वहाँ पे ठीक है आप क्या करोगे हुं? और आपको रिक्रूटेड किया गया उस स्पॉट पर अब वो किस लिए रिक्रूट किया होगा सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी रीजन से ही आपको होगा नेक्स्ट में आते हैं निशी निशा कुमारी को फर्स्ट सही है सेकंड भी सही है यहाँ पर आप सही है टाइट द क्लोथ्स टाइट टाइट द ब्लीडिंग एरिया विद क्लोथ भी कर सकते हो एंड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड इनफॉर्म फ्रेंड या फिर आप किस व्हीकल से गए स्टॉप नियर बाय व्हीकल या फिर किस जरिए से गए कौन सा आपका किस मूव किस मोड से आप गए हॉस्पिटल यू कैन ऑल्सो मैंशन डेट और सही है थर्ड थर्ड नंबर रूमर्स के बारे में आपने इन्फॉर्म किया सीनियर्स को और कन्फर्म ऑल्सो यहाँ पर कर्फ्यू वाले में आप हेल्प पहले ही मत हेल्प करो ट्राई टू इंक्वायर ऑल्सो है ना यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन फॉर दिस गुड सब सही है लेकिन आप लास्ट वाले में ये इसमें इंक्वायर इंक्वायर द ओल्ड मैन दैट टोटेली मिज आइडेंटिटी कर्फ्यू लगाया क्योंकि यहाँ पे एंड ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द होम बाकी रेस्ट इज़ गुड तो हर बार आपको मैंने बताया ऑल अथॉरिटीज आर गुड एक लास्ट वाले में फिफ्थ नंबर पे आप आ, उसकी आइडेंटिटी पूछ सकते हो आप ओल्ड मैन की रेस्ट इज गुड नेक्स्ट में आते हैं आयुष चौधरी एस आर टी ऑल आर गुड बट यहाँ पर आपने कहा एम सील तो गुड आइडिया लेकिन आपने यहाँ पे अननेसेसरी र्यूमर्स पहले कंफर्म करो अननेसेसरी हैं कि नेसेसरी हैं कभी भी र्यूमर्स उड़ते हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई भी होती है उनमें क्या पता हुँ? और सिक्योरिटी का मामला है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं देश की रेस्क्यूड ओल्ड मैन किस बात से रेस्क्यू वहाँ पर तो लिखा नहीं है ना कि प्रॉब्लम थी क्या थी यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन है ना हाँ रेस्ट इज गुड योगी ऑल आर गुड योगी पे का भी सब सही है यहाँ पर एच को मैं एक रिप्लाई करना चाहूंगा ऑल दस आर टी आर गुड बट यहाँ पर आपको कल एग्जाम है एग्जाम से पहले आप लम्बर को बुला रहे हो रात को है ना तो फिर डू यू थिंक डैट इट इज जस्टिफाइड और डू यू थिंक दैट इट इज़ कॉल्ड एन एफेक्टिव इंटेलिजेंस रिसोर्सफुलनेस है ना यहाँ पर यू आर सपोज टू रिपेयर इट बायर सेल्फ अपनी एफेक्टिव इंटेलिजेंस लगाओ अपना रिसोर्सफुलनेस दिखाओ कुछ जुगाड़बाजी करो उसमें है ना लाइक क्लोथ न चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अदर कैंडिडेट इवन है ना इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव ऑन दिस गुड करेक्शन यू ऑर्ली एस आर टी यूली और यू फिफ्थ वाले में इम्प्रूव कर सकता हूँ फाइव नंबर पे यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन फॉर दिस मूव ऑन टू टी एक्शन थीमेटिकों ने अभी भी टी एम्प्टी करी है फर्स्टली यू आर सपोज टू अटैम्प्ट द स्टोरी है ना जो लोग अटैम्प नहीं कर रहे हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं देन डेफिनेटली आपको सही में हेल्प नहीं होने वाली है पहले अटैम्प्ट करो ट्राई करो तब जाके यहाँ पर अपना वीडियो देखो और अपने आपका फीडबैक ले लो डेफिनेटली आप ग्रुप ज्वाइन करो और यहाँ पर डेली बेसिस पर अपना अटैम्प्ट करते रहो आपको फीडबैक पक्का मिलेगा फोर्टी एट आवर्स के अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ट्राई टू यू नो शेयर दिस पीस ऑफ वीडियो टू योर फ्रेंड्स इवन जो लोग इसकी नीड में हैं मे पॉसिबल उनके लिए ये एक तरीके से फ्रूटफुल साबित हो एंड दैट कैन ऑल्सो ऑफ मोटिवेशन फॉर अस और जितने लोग यहाँ पर जुड़ेंगे यू विल यूसो लर्न अलॉट फ्रॉम देम ओके लेट्स डिस्कशन जिस तरीके से आप देख सकते हो इस पिक्चर में इमोशंस देखते हो आप एक दो मैन है यहाँ पे ये एक uh, कुछ गार्ड वाला काइंड ऑफ पर्सन लग रहा है देखो सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो पर्सन बोल सकते हो टाइम टू नो स्टॉप दिस पर्सन स्टॉप कर सकता है या फिर रोक रहा है या फिर पूछ रहा है हालचाल तो इस वट एवर यू कैन टेक कुछ भी एजूम कर सकते हो हुँ? और पीछे बैकग्राउंड देखो रोड है यहाँ पे एंड इन दिस वे यू हैव टू परसीव द पिक्चर हॉलिस्टिकली थ्री सिक्सटी डिग्री हर जगह देखो अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ अब गोविंद शर्मा ने स्टोरी लिखी है बेसिकली मैं यहाँ पर स्टोरी रीड नहीं करूंगा यू कैन रीड द स्टोरी उन्होंने लिखा है बेसिकली एम्प्लॉय है जो यंग मैन है वो एम्प्लॉई है मतलब इम्प्लॉई इन द सेंस ही इज़ द ओनर ऑफ़ द साइकिल मैनुफैक्चरिंग कंपनी और उस उसने अपने वॉचमैन को वो गिफ्ट करी है डेट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जो उन्होंने अटायर था जो ड्रेस पैटर्न था एक वॉचमैन की तरह ही था मतलब कुछ कुछ फॉर्मल ड्रेस पहनी थी इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द स्टोरी गुड स्टोरी है नॉर्मल प्रैक्टिकल सिंपल ज़्यादा कोई हाईफाई स्टोरी नहीं है बट जनरली मैं भी प्रिफर करता हूँ यू नो ट्राई टू ऑलवेज राइट द स्टोरी विच इज़ को टू यू जो आप सिंपल एक ज़ यंग मैन स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से अगर आप देखो वो आप उस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो जो कि आपकी हॉबीज हैं इंटरेस्ट हैं आपकी जो आपने कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त की हों या फिर आप जिस फील्ड में हों उससे कोरिलेट करके कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन एन इंजीनियर तो यू कैन कोरिट विद दैट पर्सनैलिटी इफ़ यू आर यू नो आप कोई टेक्नोक्रेट हो या फिर आप कोई बायोलॉजिस्ट हो या फिर किसी भी फील्ड से आप बनते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से हेल्प कर सकते हो और साइकिल है हाँ यस यहाँ पर आपने किसी ने मेंशन किया ये भी स्टोरी चल सकती है लेकिन हाँ मैं उसको भी प्रेफर करता हूँ जनरली नेक्स्ट बात है दीप कुरथकर की स्टोरी चाइल्डहुड फ्रेंड आपने ना सुदामा कृष्णा और सुदामा की स्टोरी टाइप लग रहा है मेरे को पूरा का पूरा विशफुल स्टोरी लग रही है ऐसा कभी सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज में होता है दो दोस्त थे वो अचानक से एक गार्ड बन गया एक वो एक वो अच्छी कंपनी का मालिक बन रखा है है ना बिल्कुल मतलब सरप्राइजिंगली वो सेम कंपनी में काम कर रहा है एक गार्ड का काम कर रहा है एक वो मैनेजर का काम कर रहा है तो फिर थोड़ा अलग से हट के स्टोरी बनाओ सिंपल से बनाओ हेल्प करने वाली बना लो नॉर्मल सी अगर रोड में किसी को पार करा रहा है वो भी बना सकते हो किसी को हल्की छोटी सी फाइनेंशियल नीड थी उसको वैसा बना दो है ना अचानक से वट एवर आपका नेबर था कोई आपका आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पर उन उस गार्ड को आपको कोई नीड थी उसको कोई हेल्प थी इस तरीके से आप सिंपल से कोई स्टोरी बनाओ आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की स्टोरी ऐसी मत बनाओ वन लाइफ पूरे लाइफ स्पैन की स्टोरी एक बारी में खत्म कर देते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर हैविंग दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी नेक्स्ट जोरा ने स्टोरी बनाई है रिगार्डिंग रबी जो हार्वेस्ट हुई है उसके मार्केट को ढूंढने के रिगार्डिंग राइट तो फिर स्कूल का वॉचमैन था तो यहाँ पर बेसिकली चलो स्टोरी आपने तो रबी 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 क्रॉप के हार्वेस्ट के बारे में तो बता दिया चलो ठीक बट यहाँ पर जो है ना बेसिकली ना तो बैकग्राउंड ऐसा कुछ दिखाया है कि उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड का था या कुछ इस तरीके का था यहाँ पर आप ना सिंपल कोई अगर स्टोरी बनाना चाहो तो वो बना सकते हो यहाँ पर वॉचमैन का रबी क्रॉप से तो कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पर ना तो कोई कोई बैकग्राउंड इस तरीके का बनाया गया है और मैं चाहता हूँ कि आपको रिलेट करो सिचुएशन को प्रैक्टिकली कुछ रिलेट करो साइकिल है वहाँ पर वो दो लड़के दो आदमी हैं पीछे सिटी का सिचुएशन है या आप मतलब कंप्लीटली एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टोरी आपकी मतलब मोर लेस एटी परसेंट स्टोरी जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड मार्केटिंग रिगार्डिंग है अगर आप सैसा एग्रीकल्चर फील्ड होता है कोई क्रॉप्स होती कोई सब्जी होती तो फिर कोई विलेज का सीन होता है दैन डेफिनेटली इट कुड हैव बीन अ बेटर थिंग बट यहाँ पर आपने सिंपली ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट है ऑलरेडी प्रिपेयर था पहले से ही आपने दो लोगों को मिलाया और आपने आपको इसने आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया स्टोरी ठीक है अपने आपको जनरली कोशिश करो जो आपकी न्यूट्रल स्टोरीज होती हैं ठीक है दिस काइंड ऑफ पिक्चर आर कॉल्ड एज न्यूट्रल पिक्चर्स जिसमें आप अपनी लाइफ से कोरिलेट करके लिखा सकते हो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स देर विल बी अ स्टोरी इन विच देर विल बी अ गर्ल है ना तो उसमें आप अपनी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से स्टोरी लिख सकते हो हालांकि ये स्टोरी भी चल जाएगी देखो स्टोरी कोई खराब नहीं होती है कोई सही नहीं होती है बट इट इज़ अबाउट दैट हाउ नेचुरल स्टोरी हाउ प्रैक्टिकल स्टोरी हाउ सिंपल स्टोरी एंड ओरिजिनल स्टोरी यू आर राइटिंग यहाँ पर आप ऐसी स्टोरी लिख सकते हो जैसे रिगार्डिंग जैसे वॉचमैन का कोई चिल्ड्रन है या फिर कोई इसके कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपकमिंग एग्जाम्स मतलब फॉर द चिल्ड्रेन या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है या खुद की डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ सकता है विद दी हेल्प ऑफ डैट पर्सन तो वो कर सकता है ठीक है या फिर उस मैन को साइकिल की नीड थी उसको कहीं जाना था तो उसके रिगार्डिंग आप बना दो साइकिल को कोरिट कर दो है ना आपने सही स्टोरी बनाई है कि न्यू फार्म लॉज के रिगार्डिंग में आपने कोरिलेट करने की कोशिश करी है बट अभी यहाँ पर है ना पिक्चर के अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी आपने उसको एग्जीग्रेट करो जो कि डिस्कस हो सकती है दो पर्सन के बीच में आपने सब कुछ करवा दिया उसमें आपने प्रोटीन मिड डे मील के बारे में सब कुछ करवा दिया उसके बाद आपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे चिल्ड्रन को सब कुछ मतलब स्कूल में दाखिला भी करवाने की कोशिश करी आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो इतने कम टाइम स्पेन में सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं है ना प्रैक्टिकल सोचो सिंपल रखो नेक्स्ट स्टोरी लिखी है कि उन्होंने कंचन रंग कंचना कंचरेला वट एवर आई आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम रोंगली बट यहाँ पर जो स्टोरी है बेसिकली अरुण एक तेईस साल का लड़का है बेटे बेसिकली मैंने पूरी स्टोरी पढ़ ली है तो फिर यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है उसको डिटेल चाहिए थी रिगार्डिंग द जॉब नोटिफिकेशन तो इन्होंने गार्ड से आकर पूछा दैट इज़ अ वेरी गुड सोई मुझे ऐसा लगा सही में सिंपल सा लगा प्रैक्टिकल लगा और ऐसा होता भी है सिक्योरिटी गार्ड ने उसको डिटेल ली दी। और उसके उसके बाद उसने जो एस्परेंट था जो लड़का था बॉय था उसने अपनी क्या कम्युनिकेशन स्किल तो वर्क किया प्रैक्टिस इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द मिरर और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज़ करी और उसने न्यूज़ अपनी जो है सिक्योरिटी गार्ड से शेयर करी और थैंक किया ऐसा होता है जनरली जो दो लोग जा रहे होते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक आप हो आपस में न्यूज शेयर करते हो कुछ बातें करते हो तो ऐसी स्टोरी बनाओ सिंपल सी जो प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए चल रही हो और नेक्स्ट आती है अनमोल आपने मतलब जो पर्सनल है बेसिकली जो यूनिफॉर्म है उनको पुलिस ऑफिसर बनाया फिर पुलिस गार्ड जो भी है उन्होंने उसको बोला कि भैया रॉन्ग साइड मत जाओ आप राइट साइड आ जाओ तो हाँ ऐसी स्टोरी भी बन सकती है बिकॉज ही इज होल्डिंग ठीक है आप यहाँ पर ट्रिगरिंग एक्शन दिखा सकते हो या फिर लाइन ऑफ एक्शन ताकि कोरिलेट कराने के लिए पिक्चर को आप बोल सकते हो ही स्टॉप हिम एंड होल्ड ए साइकिल एंड टोल्ड हिम द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द रोड सेफ्टी या फिर अबाउट रोड एंड ही वॉज ऑन द रॉन्ड साइड एंड टोल्ड हिम टू बी ऑन द राइट साइड अदरवाइज ही हैव टू पे द फाइन इस तरीके से वो उसको इन्फॉर्म करा रहा है सही अच्छी स्टोरी ठीक है दिस इज मोर और लेस कोरलेटेड टू द पिक्चर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आई एम एक्सपेक्टिंग आई थिंक जोरा कैन ऑल्सो यू नो रेफर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज स्टोरी uh, लिखी आयुष चौधरी ने बेसिकली ग्रीन इनिशियेटिव रिगार्डिंग है ना मैनेजर था प्राइवेट कंपनी का अजमेर में उन्होंने साइकिल की मैनुफैक्चरिंग करी और गो ग्रीन का इनिशिएटिव लिया और अपने एम्प्लॉयज को फिफ्टी परसेंट ऑफ पे वो मतलब जितना भी था उनको हाफ प्राइस पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उन्होंने साइकिल दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग और ये विजय आया एक दिन और गार्ड जो है उनको सरप्राइज हुआ देख करके अपने मैनेजर को कि वो लोग भी साइकिल में आ रखे तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया और ये डी एम से उनको द्वारा ये इतना बड़ा ये रहने दो रिकोग्निशन के बारे में प्राइस सीकिंग या फिर आप रिकोगशन सीकिंग वाले पर्सन मत बनो ये तो सिंपल रखो आप यहाँ तक सही था ठीक है जितना वो काम थे ड्यूटी थी उन्होंने अपनी ड्यूटी करी बिकॉज इंसू ही वॉज एन ओनर या फिर मैनेजर ऑफ साइकिल कंपनी यू आर नॉट सपोज टू बी रिवॉर्ड से यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर सकते हो सिंस जब गार्ड आया सामने तो आप इसको ना यहाँ पर बोल सकते हो ही ऑल्सो ऑफर हिम साइकिल ऑन लेस प्राइस या फिर देट है नोल सकते हो ही गिफ्टेड हिम दिस बाईसाइकिल फॉर इिस काइंड सर्विस फॉर ईयर्स इस तरीके से आप कुछ करो ऐसे वाली स्टोरी बना सकते हो स्टोरी uh, एवी की स्टोरी है एग्रीकल्चर रिलेटेड तो फिर मैंने एज ऑलरेडी मैंशनड या फिर डिस्कस विद विदोरा ऑल्सो यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का मत बनाओ जनरली आप ये इंटेंशनली स्टोरी बना रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि पहले से आप प्रिपेयर करके आए तो फिर एग्रीकल्चर का सीन होगा तो डेफिनेटली तब करो यहाँ पर सिंपल साइकिल का सीन है दो मैन है और एक तरीके से वो एक वॉचमैन की ड्रेस में है लगभग तो इस बैकग्राउंड इस के आप कुछ अराउंड अपनी स्टोरी बना सकते हो वो पीछे सिटी भी है रोड में जा रहे हैं तो आप इस जिस तरीके से और लोगों ने स्टोरी बनाई है उसके उसकी लाइन पे आप कुछ स्टोरी बना सकते हो आई होप इट विल हेल्प नेक्स्ट आया स्नाइपर के स्नाइपर सिंह के द्वारा स्टोरी बनाई गई देखो कुछ कुछ ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं जो कि एस एस बी एस्पेरेंट बहुत बार लिखते हैं देखो पहली स्टोरी होती वॉर वाली सेकेंड स्टोरी होती सी डी एस वाली थर्ड स्टोरी थी एनडीए वाली एस एस बी क्लियर कर लिया रिकमेंड हुआ ऑफिसर बन गया एक दिन दोस्त आया और उसको मैंने भी इंस्पायर किया और वो भी जाके एस एस रिकमेंड हो गया और जाके उसने बहुत बड़ा चीज हो आर्मी स्टाफ बन गया ये ट्रेडिशनल स्टोरी है मैं बोलता हूँ इनसे हट करके बाहर के आ करके कुछ और बना हुआ है ना ये दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी बन जाती है जब कुछ नहीं आता है बट अभी यहाँ पर सिंपल सी लिखो प्रैक्टिकल स्टोरी बनाओ जो कि एक सिविलियन लाइफ के अकॉर्डिंग में चलती है हुँ? अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी और ये यूनिफॉर्म आर्मी यूनिफॉर्म तो ऐसे होती नहीं कोई भी ऐसे ही टाइप को जो मतलब गार्ड वाली टाइप की स्टोरी जो गार्ड वाला जो बंदा खड़ा है वहाँ पे है ना कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ अपनी सिंपल सी स्टोरी बनाओ अंजलि ने जो स्टोरी लिखी है बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग साइकिल मांगी नेबर से और हुमन होम ट्यूशन देने के लिए बच्चों के लिए इस तरीके से गिफ्ट करा लेटर ऑन हूँ सही है सिंपल है ऐसा लिख सकते हो इतनी ज़्यादा लंबी स्टोरी आपने ना काफ़ी मुझे ऐसा लगा समझने में काफ़ी टाइम लगा मुझको भी सिंपल सा आप लिखो वन डे ही वेंट टू तो अ पर्सन या फिर हैविंग बाईसाइकिल ही बाई साइकिल फॉर आ स्माल हेल्प सो डैट ही कैन गिव टूशन टू द नियर बाई नियर बाय स्टूडेंट्स एंड इन दिस वे ही टैंक डैम इस तरीके से आप सिंपल सा बना होता है लंबा काफी आपने लिखा है मतलब लंबा मतलब जो सिचुएशन डायरेक्टली जो पॉइंट टू द पॉइंट वाला आपने स्टोरी जो लिखनी चाहिए वो नहीं लिखी सही है बाकी आपने अच्छी स्टोरी बनाई कि आपने बेसिकली साइकिल आपने बॉ की है नेबर से देखो एच ने कितनी सिंपल प्रैक्टिकल स्टोरी बनाई है ऑन द वे जब वो जा रहे थे तो वो रास्ता भटक गया था तो भटकने के कारण उसने से उसने लोकल से किसी से पूछा कि रास्ता कहाँ है या फिर कहाँ पर जा रहे हैं तो फिर एड्रेस लिया और जाके उन्होंने अपना काम अपना रिजॉल्व कर लिया ठीक है इन दिस वे और लोग भी सीख सकते हैं इन दिस वे यू विल लर्न बाय ईच अदर एंड इट आल्सो गिव्स मोटिवेशन फॉर अदर इट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट हाउ दर पीपल आर इम्प्रूविंग एंड हाउ यू हैव टू इंप्रूव वट इज द लेवल ऑफ योर इम्प्रूवमेंट विद दिस वी एंड ऑफ दिसशन बट बिफोर गोइंग मेक श्योर डैट यू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स शेयर बटन पर क्लिक करो और कॉपी या फिर पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक ग्रुप पे एटलीस्ट इसको शेयर करो एक या दो जगह पे सो डैट वी कैन ऑल्सो गेट अ मोटिवेशन और ये हमारा चैनल का लिंक है एट द रेट एस एस बी फॉर लाइफ जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं है यहाँ पर डेली डिस्कशन होती है अटैम्प्ट करो ठीक है वंस यू विल देन ओनली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस यहाँ पर डिस्कशन सुनने से कुछ नहीं होने का अनलेस एंड एंडल आप अपनी कॉपी में अटैम्प्ट कर रहे हो या डायरी बना रहे हो एंड दिस वे बाय टू और थ्री मंथ जो लोग यहाँ पर हैं कनेक्टेड है रेगुलरली दो या तीन महीने बाद आपको जरूर डेफिनेटली आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा एंड आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सब कुछ यहीं पर मिल रहा है बट द ओनली थिंग इज रेट यू हैव टू सिंसेर यू हैव टू बी सिंसेयर शेयर दिस सेशंस सब्सक्राइब एंड जो भी बेल आइकन है उस पर नोटिफिकेशन को हिट करके उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन इन फ्यूचर परस्पेक्ट विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट कीप लर्निंग